हाई गुड Morning एवरी वन वेलकम टू आइस पॉइंट दिस इज शिवानी सक्सेना होप यर वेरी वेल सो देखिए मॉर्निंग के सेवन ओ क्लाक हो चुके हैं और टूडे करंट अफेयर्स का टाइम भी हो चुका है देखिए आज डेट क्या है आज है दो मार्च तो ठीक है दो मार्च के करंट अफेयर के बारे में लोग बात करेंगे यहाँ पे देखिए फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे आपको बताती है कि शूटिंग विश्व कप में सौरभ चौधरी ने शेट पदक जीता है वो 19 वर्षीय के हैं ठीक है 19 वर्षीय के जो भारतीय निशानेबाज हैं सौरभ चौधरी उन्होंने ये विश्व कप जीता है और दस मीटर एयर पिस्टल के फाइनल जर्मनी में इनको हरा के स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम तो इसीलिए आपको अच्छे से ये वॉच करना है और आप इसको नोट भी कर सकते हैं शॉर्ट पॉइंट में रूस के जो एटम हैं चैनोशॉप उन्होंने काश्य जीता है यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण जो अंक तालिका के अट्रम के नाम से रूसी के साथ ध्वज और देश का नाम हटा दिया गया ऐसे काफी है ऐसे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं इसको और इसको नोट भी कर सकते हैं चलिए बात करते हैं मैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की देखिए पी डब्ल्यू एफ ने रूसी एवं बेलारूसी बैडमिंटन खिलाड़ियों को अगली सूचना तक लगाया बैन सो तो देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ है कि बैन लगा दिया गया है अगली सूचना का जो बैडमिंटन वर्ल्ड होता है ना कि फेडरेशन जिसके में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उसने रूसी और बेलारूसी बैडमिंटन खिलाड़ियों को अग्नि सूचना तक बैक जो बैन है वो लगा दिया गया है इससे पहले यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जो बी एफ थे बीडब्ल्यूएफ डब्ल्यू एफ ने रूस और बेलारूस के होने वाले सभी जो टूर्नामेंट है उनको रद्द कर दिए थे और बैकॉल डी डब्ल्यू एफ उसने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति समिति के आग्रह का पूरे तरीके से समर्थन किया है सो so, देखिए आपको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए कि जो वी डब्ल्यू एफ है वो अगली डेट आने तक अगली सूचना तक उस पर बैन लगा दिया गया है फिलहाल और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप इसको नोट भी कर लेना और आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंस्टाग्राम अपना लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो ऐप आई बंद करेगा देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मेटा के स्वामित्व वाले जो इंस्टाग्राम ने कहा है कि वह अपने लॉन्ग जो फॉर्मेट वीडियो ऐप आई जी टी वी इंस्टाग्राम टी वी को बंद करने जा रहा है बैक ऑल इंस्टाग्राम पे वे सभी फॉर्मेट्स को मुख्य इंस्टाग्राम ऐप पे लाने का प्रयास करेंगे इससे पहले इंस्टाग्राम पिछले साल आई जी टी जो अगर होता है ना कि बी डी जो फीड होती है ठीक है फीड में क्या होगा कि जो वीडियोस के साथ मिलके वो एक नया फॉर्मेट इंस्टाग्राम बनाएगा ठीक है इंस्टाग्राम वीडियो वो बनाया था तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये लोग जल्द ही में इन्होंने डिसीजन लिया कि इसको बंद करेंगे और जो भी इसका फॉर्मेट है वो मुख्य इंस्टाग्राम पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे और इसको लेकर जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो आप तक पहुँच जाएगी तो आप इसको नोट कर लीजिएगा या फिर अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा सो so, इतना ओके है आप लोगों के लिए चलिए बात कर लेता हम यहाँ पे कि जो नेक्स्ट न्यूज है उसमें क्या बताया गया है देखिए मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारतीयों के बीच लोकप्रिय विकल्प क्यों है यूक्रेन देखिए आप जैसे की जानते है कि जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद चल रहा है और जो युद्ध छिड़ चुका है तो उसमें जो काफ़ी इंडिया है इंडिया के जो इंडियन है वो वहाँ पे फंसे हुए हैं काफ़ी हद तक कुछ लोग यहाँ पे आ भी जा चुके हैं अगर मैं आपसे बात करूँ लास्ट नाइट की तो लास्ट नाइट में कहा था कि एक भारतीय की डेथ हो गई है वहाँ पर यूक्रेन में सो देखिए इसके बारे में भी आप अगर न्यूज़ देखते हैं डेली अपडेट आप रहते हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी ठीक है सो देखिए इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए तो देखिए यूक्रेन के जो भारतीय छात्र छात्राएं हैं ठीक है तो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है जिन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिलती है और जो निजी कॉलेज होते हैं उनका वो खर्च आ, नहीं उठा सकते हैं तो यूक्रेनी कॉलेज में अपना जो दाखिला है अपना एडमिशन पाना तुलनात्मक रूप से आसान है यूक्रेन में क्या होगा कि मेडिकल कोर्स की जो सालाना फीस है वो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच है सो वो लोग वहाँ जाके रहते हैं क्योंकि देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि यूक्रेन और रूस में बात चल रहा है और इस तरीके से ये है कि रूस वालों ने ये बोला है कि आप लोगों को क्या करना है जो इंडिया वाले पर्सन हैं वो अपना फ्लैग लेके यहाँ से बाहर निकल सकते उन लोगों से हम कुछ नहीं कहेंगे ठीक है इस तरीके की भी बातें हुई थी बीच में और साथ ही इंडिया वालों को काफ़ी इंडिया तक पहुंचा भी दिया गया है और एक लास्ट नाइट किसी इंडिया आ, किसी इंडियन की वहां पे डेथ भी हो गई है सो तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए तो आपके माइंड में ये सवाल होगा कि इतने सारे इंडियन यूक्रेन क्यों जाते हैं यूक्रेन में ऐसी क्या पढ़ाई है जो और देशों में नहीं है या फिर वो यूक्रेन ही क्यों जाते हैं तो आपके माइंड में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो इसके बारे में आपको पता होगा कि यूक्रेन जो कॉलेज है उसके दाखला पाना काफ़ी आसान है और यूक्रेन में जो मेडिकल कोर्स उनकी जो सालाना फीस है वो भी कम है तो इसको लेके थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए बाकी का चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि वर्ल्ड जो ताइक्वेंडो है कि उसमें क्या हुआ कि रूसी जो राष्ट्रपति है पुतेन तो उनमें क्या हुआ है कि मां ब्लैक बेल्ट की उपाधि वापस ली है ठीक है आपको पता है कि यूक्रेन पे रूस का आक्रमण के बाद जो बेल्ट ताइगवाडो है उसमें क्या हुआ कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं ब्लादिमिर पुतून तो उसने क्या क्या है पुतनी ने पुतनी से उनकी जो होता है ना कि मानद ब्लैक बेल्ट उपाधि होती है तो उसको वापस ले ली है गौरव तलवे की जो पुतनी है वो 2013 में ब्लैक बल्ट उपाधि से उनको नवाजा गया था और बल्ड में उन्होंने ट्वीट भी किया था यूक्रेन के निर्दोष लोगों पे क्रू हमलों की वजह से मतलब जो कड़ी निंदा वो करते हैं तो देखिए इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि उनसे ये उपाधि बेल्ट की उपाधि ब्लैक बेल्ट की उपाधि जो है वो वापस ले ली गई है और आप लोगों का कोई भी डाउट हो ऑलमोस्ट जो आपका करंट अफेयर है वो कम्प्लीट हो चुका है और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको फोर मार्च के बाद बताऊंगी तो थोड़ा एक्साइट आप रहें उसके लिए और डेली क्लासेस को अटेंड करें <coughs> वो मैं आपको फोर मार्च के इवनिंग तक मैं आप उस गुड न्यूज़ को आपको बता दूंगी ओके okay, सो so आप इतने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए कोई भी डाउट है कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझसे शेयर कीजिए मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करूँगी सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर